हेलो स्टूडेंट, आज हम एक न्यू टॉपिक यहाँ पे परसेंटेज स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले हम यहाँ पे एवरेज, आप लोगों को यहाँ पे हम इससे पहले कुछ टॉपिक कंप्लीट करवा दिए। जैसे देखिए आप लोग हम यहाँ पे तो इससे पहले हम लोग जो यहाँ पे तीन टॉपिक कंप्लीट किए थे, एवरेज, ट्रेन और परसेंट सॉरी और बोट एंड स्टीम, हम लोग यहाँ पे तीन टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग यहाँ पे परसेंटेज स्टार्ट करने वाले। तो देखिए अगर कोई भी अगर कॉम्पिटेटिव एग्जाम का बात कीजिएगा, वो आपका SSC रेलवे बैंकिंग, सबके पॉइंट ऑफ व्यू से परसेंटेज यहाँ पे अच्छा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए परसेंटेज में कुछ हम जो यहाँ बेसिक है, कुछ खास बेसिक नहीं चलेंगे, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन हम यहाँ पर आप लोग इसका बेसिक देखते चलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन जैसा जैसा क्वेश्चन आएगा वहाँ बेसिक चलेंगे। ये परसेंटेज में हर टाइप वाइज क्वेश्चन को हम अलग किए और टाइप वाइज क्वेश्चन लेके चलेंगे। तो देखिए कुछ कुछ यहाँ पॉइंट आपको जानना है, छोटा छोटा पॉइंट। जैसे अगर बाय द वे, एक सेकेंड, अगर बाय द वे 5% है, इसको आपको ले जाना है फ्रैक्शन में, तो 5/100 कीजिएगा तो आपका जाएगा 1/20। या फिर अगर फ्रैक्शन में दिया और चाहिए प्रतिशत में गुना कीजिएगा 100 से। बस इतना छोटा सा बात याद रखिएगा कि परसेंटेज को फ्रैक्शन पर जाना है, परसेंटेज को फ्रैक्शन पर जाना है। अगर परसेंटेज को आपको फ्रैक्शन पर जाना है तो याद रखिएगा 100 में भाग लगाइएगा, और अगर फ्रैक्शन को परसेंटेज पर जाना है, अगर फ्रैक्शन टू प्रतिशत जाना है तो 100 से यहाँ पे गुना कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जितना सारे क्वेश्चन सारा टाइप पास को अलग किए हुए, तो टाइप पास को देखते हुए क्वेश्चन चलेंगे और वहीं पर इसका बेसिक चलेगा और यहीं पर इसका क्वेश्चन बताइए, ठीक है। देखिए परसेंटेज एग्जाम में अपना अलग रोल रहता है। अगर आप SSC के लिए यहाँ पे प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको मान के चलिए प्रॉफिट लॉस प्लस प्रतिशत दोनों से 4 से 5 क्वेश्चन आएगा तो आएगा, कन्फर्म ये आएगा। अगर इसके आगे बात कीजिएगा तो ट्रेन का यानी कि सॉरी रेलवे एग्जाम में तो 2 या 3 क्वेश्चन आएगा, और बैंकिंग में भी 2-3 क्वेश्चन आएगा। मतलब तो हर टॉपिक में प्रतिशत का अपना एक अलग अलग रोल रहता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन कि ए का जो इनकम है 20% या 20% अधिक है तो बी का इनकम ए से कितने प्रतिशत कम होगा। देखिए एक लॉजिक याद रखिएगा, अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए, देखिए इस बार का CGL में हर टाइप में सॉरी हर एक सिटिंग में एक क्वेश्चन इस टाइप का था कि अगर ए का बी से, बी का सी से, या फिर सी का डी से, डी का ई से, अगर इस टाइप कभी भी क्वेश्चन दे, बस याद रखिएगा अंतिम को 100 ले लीजिएगा, या प्रतिशत बोले या प्रॉफिट लॉस बोले, अंतिम को आपको 100 ले लेना है बस। तो यहाँ समझिएगा कितने लोग ए और बी, ए और यहाँ बी लेते हैं, तो ए का जो इनकम है, ए का इनकम 20% से 20% अधिक है, मतलब बी पास जितना रुपया हो, चलिए मानते हैं बी के पास 100 रुपया है, ठीक है। तो ए का पास कितना होगा, उसका पास 120 रुपया होगा, या बी का पास मानते हैं 1000 रुपया होगा, तो ए का पास कितना होगा, 1200 रुपया होगा। तो अगर यहाँ पे अगर 100 रुपया मानते तो इससे 20% अधिक, तो इसके पास कितना हो जाएगा, 120। आगे तो बी का इनकम ए से, बी का इनकम ए से कितना प्रतिशत अधिक है, तो बी का इससे कितना अधिक है, 20 का अधिक है, बाय किसके, ए से। एक लॉजिक याद रखिएगा, टाइम सेविंग करेगा, अगर कभी से या इंग्लिश में ऑफ, कभी भी अगर से या इंग्लिश में ऑफ लिखा हुआ रहे उसको रखिएगा नीचे में, तो नीचे हम लोग कितना रखेंगे, यहाँ पे नीचे में क्वेश्चन किसे बोले, ए से बोला है, तो नीचे में कितना रखेंगे, 120। अब गुना देखिए फ्रैक्शन में आ गया, अगर फ्रैक्शन में आ गया आपको जाना प्रतिशत के पास, तो बोले 100 से गुना, गुना कितना 100, तो यहाँ 1 0 0 कैंसिल, 2 से कितना बोला 6 बार, 6 का आधा 3, 100 का कितना 50, इसमें 50/3 बोलिए, फिर 16/2/3%। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा भी इसी टाइप का है। ए का इनकम बी से 10% कम है और बी का सी से 20% अधिक है, तो ए की इनकम सी से, याद रखिए सी से बोला है, जिसके साथ से उसको नीचे रखना है, ठीक है, कितना प्रतिशत अधिक होगा, कितने लोग हैं, 3 लोग हैं, तो चलिए 3 लोग नाम दीजिए, ए बी और क्या सी। अब आगे देखिएगा तो सी को मान लीजिए कितना, 100 रुपया, तो ए का जो इनकम है 20 से 10 कम है और बी का सी से 20 कम है, अगर ये 100 है तो इससे 20 कम है, अगर सी के पास 100 है और बी बोला 20 कम है, कितना होगा इसका पास, 80 रुपया। आगे कि ए का जो इनकम है 20 से 10% कम है, ध्यान रखिए 10% बोला, यहाँ पे रुपया बात की है, ठीक है, अगर इसके पास बी के पास है 80 रुपया और ए के पास कितना होगा, 10%, तो 80 का अगर 10% निकालिएगा तो आपको निकले कितना निकलेगा, 8 रुपये, मीन 8 रुपये कम है, तो इसके पास कितना रुपया आपको, ये 72 रुपया।
तुलना किसमें करना है, ए और सी में। तो ए के पास 22 और इसका कितना 72, कितने का अंतर 28 का, ठीक है, किसे सी से, समझिएगा 28 और इसके सी लगाओ किसके साथ, सी के साथ, बट्टा 100। अगर फ्रैक्शन में आ गया गुना कितना करना है 100, 100 100 कैंसिल, कितना प्रतिशत आ गया यहाँ पे 28%, इसमें इसका आंसर कितना हो जाएगा 28%। तो चलिए अब यहाँ पे आते हैं टाइप टू से। टाइप वन में बेसिक क्वेश्चन देखे थे, टाइप टू में देखिए इसको बोलते हैं सक्सेसिव इंक्रीज या फिर सक्सेसिव डिक्रीज। तो देखिए यहाँ पे पहले ये समझते हैं कि सक्सेसिव इंक्रीज और सक्सेसिव डिक्रीज किसे कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ ध्यान से देखिएगा, अगर कभी भी क्वेश्चन ऐसा है कि एक्स परसेंटेज का वृद्धि एक्स पर या फिर वाई प्रतिशत का वृद्धि, तो यह आप लोग सक्सेसिव इंक्रीज हो गया, ठीक है। या क्वेश्चन ये बोले कि एक्स प्रतिशत का कमी और वाई प्रतिशत का कमी, तो ये भी आपका सक्सेसिव डिक्रीज हो गया। यह क्वेश्चन ऐसा दे सकता है कि एक्स प्रतिशत का इंक्रीज और वाई प्रतिशत का डिक्रीज। तो आज रखिए इस टाइप का मात्र एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, मात्र छोटा सा रखिएगा कि एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बट्टा 100, और इसी माध्यम से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। जैसा बोले, अगर बोले वृद्धि तो प्लस करेंगे, अगर बोले कमी तो माइनस करेंगे, ठीक है। तो देखिए टाइप टू का क्वेश्चन नंबर 4, कि मोहन का इनकम पहले 10% और उसके बाद फिर 20%, देखिए पहले 10% फिर 20% बढ़ाया, तो उसके आय में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। देखिए अगर पहले 10% का वृद्धि हुआ और फिर 20% का वृद्धि हुआ, तो कुल कितने वृद्धि हुआ। तो छोटा सा कॉन्सेप्ट याद रखिएगा कि एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बट्टा 100, तो कितने 10 का वृद्धि, प्लस 10 प्लस 10 फिर प्लस 20 प्लस 10 गुना 20 बाय 100, डबल जीरो कैंसिल, डबल जीरो कैंसिल, 20 और 10 कितना 30 और प्लस, और दो एकम कितना हो जाए आप लोग के लिए 2, एक सेकेंड छोटा, हाँ 2, इट मीन्स कितना 22% क्या, और 22% का वृद्धि हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, ये भी आपको इसी पे आधारित है, ठीक है, कि एक दुकानदार अपने सामान में 10% और 20% का दो सक्सेसिव डिस्काउंट देता है, तो कुल कितने प्रतिशत का डिस्काउंट दिया। देखिए एक बार पहले 10% का डिस्काउंट दिया, फिर इसके बाद 20% का डिस्काउंट दिया, तो हम क्या बताए थे, अगर वृद्धि हो रहा था प्लस कीजिएगा और कमी हो रहा था माइनस कीजिएगा, तो डिस्काउंट और कमी दोनों यहाँ पे बात सेम ही है, तो माइनस 10 फिर माइनस 20 माइनस माइनस प्लस 10 गुना 20 बाय 100, डबल जीरो कैंसिल, डबल जीरो कैंसिल, 20 और 10 माइनस 30 प्लस 2 इट मीन्स माइनस 28। देखिए अगर प्लस में आएगा या फिर प्रॉफिट होगा तब प्रॉफिट होगा, माइनस में आएगा तो या फिर डिस्काउंट दिया होगा या फिर कमी यानी लॉस हुआ होगा, ठीक है। तो माइनस में आगे 28% क्या हुई है, डिस्काउंट दिया हुआ था। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, ए का इनकम पहले 10% और फिर 20%, देखिए पहले 10% बढ़ा दिए, देखिए पहले 10% क्या किए हम लोग यहाँ पे इंक्रीज किए, उसके बाद 20% का कमी किए, तो बताइए उसके शुरुआती आय पर क्या प्रभाव पड़ा। देखिए प्रभाव का बात करें या फिर कमी या वृद्धि की बात करें, बात हर बार लेके सेम और वही कॉन्सेप्ट लगाइएगा, ठीक है। तो क्या बताए थे, देखिए पहले 10 का कमी किया, सॉरी पहले 10 का वृद्धि किया, तो पहले कीजिए प्लस 10, फिर क्या किया 20 कमी, तो माइनस 20 प्लस माइनस माइनस 10 गुना 20 बाय 100, डबल जीरो कैंसिल, डबल जीरो कैंसिल, 20 में 10 किया तो माइनस 10 और माइनस 2 इट मीन्स कुल मिला के माइनस 12% क्या हो यहाँ पे इसका कमी हुआ, यानी 12% का लॉस बोल सकते हैं या 12% इसका प्रभाव पड़ा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 7, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में 20% और 30% वृद्धि हुआ, तो एरिया कितने प्रतिशत वृद्धि हुआ। देखिए इसका दो टाइप है, एक बेसिक तो आपको जो बताएं कि एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाय 100, एक आप वैसे बना सकते हैं, दूसरा अगर आयत का बात किया है तो कोशिश कीजिएगा आपको एक्स प्लस वाई में लेकर चलने का, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले 20 का वृद्धि किया हुआ है और फिर इसके बाद 30 का वृद्धि किया, तो हम स्टार्टिंग में बताए थे, देखिए 20 का वृद्धि इसमें प्लस 20 किया हुआ है फिर 30 का वृद्धि किया हुआ है, देखिए प्लस 20 और प्लस कितना 30, प्लस प्लस यहाँ भी प्लस हो जाएगा 20 गुना 30 और बाय नीचे कितना 100, डबल जीरो कैंसिल, डबल जीरो कैंसिल, 30 20 50 और प्लस 3 दोनों 6 इट मीन्स 56% क्या हुआ आप लोग का वृद्धि, ठीक है। चलिए इसको एक बार हम ये बेसिक बार इसको इसको ओपन करके बताते हैं, ठीक है। आयत हुआ है, चलिए आयत का जगह इसको आयत या वर्ग कुछ भी मान लीजिए, आंसर आपको कोई चेंज होने वाला नहीं है।
एक आयत है, समझिए, चलिए एक छोटा सा आयत यहाँ पे, एक आयत हम यहाँ पे लेते हैं, समझिए ध्यान से। एक आयत में 20 और 30 पद है, लंबाई में 20 और चौड़ाई में 30 का वृद्धि हुआ। चलिए मान लेते हैं लंबाई 100 होगा तो बोला 20 का वृद्धि, तो कितना हो जाए, लंबाई जाके 120 हो जाएगा। अगर चौड़ाई भी अगर 100 मान लेते हैं तो 30 का वृद्धि कितना, 130 हो जाए। तो आयत कह रही है एल इंटू बी, 100 गुना 100 कर देते हैं। चलिए पहले जीरो जो कैंसिल हो जाए, चलिए जो ये जीरो हटा दीजिए और ये भी जीरो हटा दीजिए, तो 10 गुना 10 कितना हो जाए, यहाँ पे 100 हो जाएगा। और 13 गुना 12, अगर 13 गुना 12 कितना, 156, 156 हो जाएगा। देखिए 100 का चीज 156 हो गया, कितना का वृद्धि दिख रहा है आप लोग को, 56 बाय कितना 100, फ्रैक्शन में आ गया, गुना कितना 100, 100 100 कैंसिल, कितना ले देगा है वही 56%। आया बात समझ में? नहीं, एग्जाम में आपको ऐसा नहीं करना, हमेशा एग्जाम में आपको सक्सेसिव इंक्रीज और सक्सेसिव डिक्रीज फॉर्मूला लेकर चलना है, ठीक है, जैसे आपको हम यहाँ पे बताए थे। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए ये क्वेश्चन में लड़का लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करता है, रीजन क्या है, इसमें एक ही तो दिख रहा है, आपको दो डाटा नहीं दिख रहा है। तो आपको ये पता होगा कि क्वेश्चन बनाने के लिए हमको दो डाटा जरूरत है, कि एक सर्कल का जो रेडियस है पहले 50 का कमी कर देते हैं, ठीक है, तो एरिया कितने का कमी होगा। सबसे पहले ये बताइए कि सर्कल का जो एरिया क्या होता है, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, चलिए हम पाई आर स्क्वायर ना लिखे, हम पाई गुना आर लिखते, समझिएगा, पाई गुना आर। अच्छा बताइए यहाँ पे आर कितने टाइम आया, 2 टाइम, तो त्रिज्यम 50% कमी, इट मीन 50% के कितना बार कमी हुआ है, यानी कि 2 बार, आगे 2 डाटा तो 2 बार कमी हुआ है, तो 2 बार कमी हुआ लगाइए डिक्रीज का फॉर्मूला, क्या बताए थे, -50 फिर -50, माइनस माइनस प्लस 50 गुना 50 बट्टा 100, 00 कैंसिल, 00 कैंसिल, तो -50 -50 कितना, -100 और +25, तो 100 में अगर 25 चला गया कितना, माइनस कितना 75, इसमें 75% का क्या हो, इसका कम हो जाएगा। तो एक वृत्त के त्रिज्या में अगर 50% कम कर दे तो एरिया में इसका 75% का कमी होगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 9। एक वस्तु के मूल में 40% कमी हो, देखिए दाम में पहले 40% कम किया, उसके बाद ही बिक्री में 60% बढ़ा दिए, तो उस पर क्या प्रभाव पड़ा, देखिए समझिएगा, पहले 40% का ये कमी हुआ है, फिर 60% क्या हुआ है, यहाँ पे वृद्धि हुआ है। देखिए फिर से वही लगाएंगे फॉर्मूला, -40 करेंगे फिर वृद्धि, यानी +60, देखिए माइनस प्लस क्या हो जाएगा, -40 गुना 60 बटा कितना 100, 00 कैंसिल, 00 कैंसिल, तो यहाँ पे आ जाएगा -40 + 60, तो प्लस आ गया आप लोग का 20 और 6 + 24, माइनस कितना आ गया 24, माइनस कितना आप लोग का यहाँ पे आ गया 24, तो यहाँ पे ले देगा गया -4%। देखिए माइनस में फिर से आया, तो माइनस में आया तो कमी या फिर डिस्काउंट, तो यहाँ पे 4% क्या होगा कमी। तो एक वस्तु का मुक्रिम मूल में 40% कम कर दें और बिक्री में 60% बढ़ा दें तो उसको व्यापार में 4% का क्या होगा, 4% का कमी आएगा। चले आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, एक क्वेश्चन नंबर 10 को, क्वेश्चन नंबर 10 को ध्यान से देखिएगा, प्रॉफिट लॉस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा, कि मोहन के आय में पहले 10% क्या किए, वृद्धि किए, फिर 10% का ही कमी किए, देखिए पहले 10 का वृद्धि और 10 का कमी, तो आय में क्या प्रभाव पड़ेगा। चलिए फिर से वही लगाइए इंक्रीज का फॉर्मूला, तो पहले +10 फिर -10, प्लस माइनस माइनस, 10 गुना 10 बाय कितना 100, ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल, तो ले दे कितना गया -1, इट मीन्स 1% क्या आप लोग का कमी होगा। देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों बताएं, देखिए आपको इसको बिना पेन का भी बना सकते हैं, क्वेश्चन में बताया गया है कि 10 का कमी 10 के वृद्धि, देखिए दोनों का डाटा क्या है, दोनों का डाटा यहाँ सेम है, देखिए समझिएगा कि अगर 1% का वृद्धि हो रहा है, ठीक है, और 1% का ही कमी हो रहा है, मतलब दोनों का डाटा सेम है, तो आज की जिंदगी में कभी प्रॉफिट नहीं करेगा, हमेशा लॉस करेगा। कभी भी अगर आपको दिखता है डाटा सेम, एक्स का कमी एक्स का वृद्धि, तो हमेशा लॉस करेगा। और इसको लॉस निकालने के लिए फॉर्मूला एक और बता रहे हैं, एक्स स्क्वायर बटा क्या कीजिएगा 100, एक्स का स्क्वायर 10 का स्क्वायर कितना, 10 का स्क्वायर 100 बटा 100 कितना 1%, और हमेशा क्या करेगा जी, ये लॉस करेगा। आया बात समझ में? चलिए आते हैं हम लोग टैप नंबर 3 में, टैप 3 को ध्यान से देखिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टैप है, इससे एग्जाम में रिपीट भी क्वेश्चन करता है। देखिए टैप 3 में क्या बताया गया, चीनी के मूल में 20% का वृद्धि हो गया, इसे खपत में कितने प्रतिशत कम करें, करना होता है
खर्चा पे क्यों प्रभाव ना पड़े, इसको एग्जांपल ये समझते हैं। देखिए एक लड़का गया मार्केट, वो चीनी लाने गया, तो चीनी का जो रेट था, देखिए उसको मालूम नहीं था कि चीनी का रेट में 20% वृद्धि हो गया है। लेकिन क्या हुआ, जब मार्केट गया तो उसको पता चला चीनी रेट बढ़ गया, अब वो क्या कर सकता है, या फिर ज़्यादा पैसा लगाएगा या फिर वजन को कम करेगा। तो क्या बोला कि खर्चा पे, देखिए कुल खर्चा पे कोई प्रभाव ना पड़े, खर्चा प्रभाव नहीं चाह रहा है, मतलब उसका वजन में क्या, वजन में कम करना पड़ेगा। तो देखिए लॉजिक से बता रहे हैं कि 20 का वृद्धि हुआ, कितना वृद्धि हो रहा है, 20 का वृद्धि हो रहा है, लेकिन चाह रहे क्या, कहना क्या चाह रहा है कि कुल खर्चा पे कोई प्रभाव ना पड़े। छोटा सा फॉर्मूला बता रहे, याद रखिएगा, कभी भी अगर वृद्धि या कमी होगा कभी भी, तो छोटा सा बता देंगे जो इफेक्ट होगा इसका बाय 100, अगर बढ़ेगा वृद्धि तो प्लस कीजिएगा और कमी तो माइनस कीजिएगा, जो यहाँ पर इसका प्रभाव पड़े जो इफेक्ट होगा 100, इससे एक बार में आंसर आपका आएगा। तो देखिए 20 का वृद्धि बोला है तो ऊपर लिखिए 20 बाय 20 का वृद्धि बोला है तो 100 वृद्धि तो प्लस 20, तो यहाँ पे आप लोग क्या आ गए 20/120। आपको बताए थे कि अगर फ्रैक्शन में आ गया, आप प्रतिशत में पूछा तो गुना कितना कीजिएगा, गुना 100, तो गुना कीजिए यहाँ पे कितना 100, 20 से 6 बार में 6 का 3 100 का 50, 50 बाय 3 16 पुनः 2/3 प्रतिशत क्या करेंगे, उसका कमी करना पड़ेगा। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। किसी आयत की लंबाई में 20% कमी कर दे तो चौड़ाई में कितने प्रतिशत बढ़ाना होगा ताकि एरिया पे कोई प्रभाव ना पड़े। फिर वही क्वेश्चन आ गया कि 20 कमी पड़े कोई प्रभाव ना पड़े, कोई प्रभाव ने नहीं बदलने की बात किया है, फिर वही फॉर्मूला लगाइए। आप लोग क्या बताए थे, प्रभाव हिंदी में बाय 100, बढ़ेगा तो प्लस घटेगा तो माइनस, क्या प्रभाव गुना कितना 100। तो देखिए समझिएगा, तो 20 कमी क्या है, 20/20 का कमी, तो 100 माइनस 20 और गुना कितना 100, तो 20/80 गुना 100, काटे कितना टाइम में, फोर फोर से कितना टाइम में, 100 को 25, इसमें 25% के क्या करना पड़ेगा, इसको बढ़ाना पड़ेगा। अगर 20 कम करना चाहता है तो इसको 25 बढ़ाना पड़ेगा, जिससे इसका एरिया पे कोई प्रभाव ना पड़े। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन 13, ध्यान रखिएगा 13 में क्या बताया गया है कि राम का इनकम को पहले 10% कम कर दें, तो जो इनकम था उसका पहले 10 कम किए, उसकी आय को कितना प्रतिशत बढ़ा दें, अब कितना बढ़ा दें ताकि उसका आय पहले जैसा हो। पहले जैसा कहने मतलब क्या है, कोई प्रभाव नहीं होना चाहिए। देखिए पहले 10 कम करना है, फिर कितना बढ़ा दें, कोई प्रभाव नहीं होना चाहिए। फिर से वही फॉर्मूला लगाइए, क्या बताए थे, प्रभाव बट्टा 100, अगर बढ़ेगा तो प्लस घटेगा तो माइनस, फिर क्या प्रभाव, ठीक है, और गुना, गुना किसे करना आप लोग को 100 से, तो 10 बाय बोला कमी किया है तो 100 में 10 से कितना 90 गुना 100, जीरो जीरो कैंसिल, ठीक है, यानी 100/9 11 पुनः 1/9 प्रतिशत क्या करना पड़ेगा, इसका वृद्धि करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 तक यहाँ पे क्वेश्चन देखें। कल हम लोग यहाँ पे कुछ क्वेश्चन ऐसा देखेंगे जो एग्जाम में प्रीवियस पूछा हुआ है इस टाइप से। ठीक है, तो कल हम लोग यहाँ पे टाइप 4 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए ओके।